राजधानी लखनऊ में पीजीआई अस्पताल में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी भयानक थी कि इसमें झुलसकर दो लोगों की मौत हो गई। आग अस्पताल के ओटी यानी कि ऑपरेशन थिएटर में लगी। जिस वक्त आग लगी उस वक्त अस्पताल में कई मरीज मौजूद थे, जिनमें से एक महिला मरीज और बच्चे की मौत हो गई। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। बता दें कि पीजीआई में आग लगने की घटना दोपहर 1 बजे के करीब हुई। आग लगने के कारण ऑपरेशन थिएटर और बिल्डिंग के अंदर धुआं धुआं भर गया। आनंद फानंद में मरीजों, कर्मचारियों और तिमारदारों को निकालने का काम शुरू हुआ। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची, तब जाकर आग पर काबू पाया गया। लखनऊ में पीजीआई की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। आग किन कारणों से लगी, कैसे लगी, पूरी बिंदुवार जांच की जाएगी। प्रमुख सचिव श्री सारथीसेन शर्मा को मौके पर जाने के लिए तत्काल कहा गया है और इस घटना में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक इस घटना में हम पूरी तरह से पीड़ित परिवार के साथ हैं और हर स्थिति में इसमें न्याय मिलेगा और जो भी जांच में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। फिलहाल आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर आग कैसे लगी और अगर आग लगी भी तो अस्पताल के पास के आग बुझाने के उपकरण मौजूद नहीं थे। बहरहाल जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।